दोस्तों, आज इंडिया में न जाने कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं और इसी के साथ इन सभी में से एक टीवी इंडस्ट्री भी है। इस इंडस्ट्री में एक्टर और एक्ट्रेस को लोग उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि लोग आज बॉलीवुड एंड साउथ एक्टर्स या एक्ट्रेस को देते हैं। अगर आप सभी टीवी सीरियल को देखना पसंद करते हैं तो आपका फेवरेट टीवी सीरियल एक्टर जरूर होगा, जिनके पर्सनल लाइफ के बारे में आप हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टीवी इंडस्ट्री के टॉप 10 एक्टर्स के रियल लाइफ वाइफ के बारे में। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, विवियन दिसेना। दोस्तों, विवियन दिसेना टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक हैं। ये अब तक 7 टीवी शोज में काम कर चुके हैं, लेकिन इनका फेमस रोल प्यार की एक कहानी में अभय और शक्ति सीरियल में हरमन का किरदार इनका फेमस रहा है। वहीं पर अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो फिलहाल तो ये मैरिड हैं, लेकिन 2013 में इन्होंने टीवी एक्ट्रेस वाह बिस दोराबजी के साथ शादी की थी और कुछ सालों तक साथ रहने के बाद 2017 में इनका डिवोर्स हो गया। तब से लेकर आज तक इन्होंने शादी नहीं की। नंबर 9, शरद मल्होत्रा। शरद मल्होत्रा टीवी एक्टर के साथ साथ फिल्म एक्टर भी हैं। इनकी 2022 में करंट एज 39 ईयर्स है और ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता से। अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो इन्होंने 2019 में टीवी एक्ट्रेस रिप्सी भाटिया के साथ शादी की थी और अब ये अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 8, पल्लवी पुरी। दोस्तों, पल्लवी पुरी टीवी के फेमस एक्टर में से एक हैं। वैसे तो उन्होंने कई टीवी सीरियलों में काम किया है, लेकिन साल 2018 में नागिन सीरियल के तीसरे सीजन में इनका माहिर का रोल सबसे फेमस रहा है, जिसे आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चलिए इनके रियल लाइफ के बारे में जानते हैं। पल्लवी पुरी की करंट एज 32 ईयर्स है और ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और ये डेट कर रहे हैं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना को। नंबर 7, हर्षद चोपड़ा। दोस्तों, घर घर में देखा जाने वाला फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है तो आप सब जरूर देखते होंगे। इस सीरियल में अभिमन्यु का रोल निभाने वाले एक्टर हर्षद चोपड़ा को सीरियल में इस रोल से काफी अच्छी पहचान मिली है और इनकी 2022 में रियल एज 38 ईयर्स है और वहीं पर ये मैरिटल स्टेटस से अनमैरिड हैं और ये शुरू में एक्ट्रेस स्थिति झा को डेट कर चुके हैं, लेकिन फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिलहाल तो ये अभी सिंगल हैं। नंबर 6, गसमेर महाजनी। दोस्तों, गसमेर महाजनी टीवी एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर, फिल्म एक्टर और कोरियोग्राफर भी हैं। इनकी एज 36 साल है और ये अब तक 3 टीवी शोज और 11 मूवीज में नजर आ चुके हैं। अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो ये मैरिड हैं और इनकी रियल लाइफ वाइफ का नाम गौरी देशमुख है, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस है। इन्होंने इनसे 2014 में शादी की थी और ये अब मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 5, सबीर अहलूवालिया। सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी का रोल निभाकर घर घर में फेमस हो चुके अभिनेता सबीर अहलूवालिया, जिन्हें आप सब प्रज्ञा और अभी के जोड़ी के नाम से बुलाते हैं। सबीर ने कुमकुम भाग्य सीरियल के अलावा और भी कई सारे टीवी सीरियलों में काम किया है, जैसे कि कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, खतरों के खिलाड़ी और भी कई सीरियल। दोस्तों, ये मैरिटल स्टेटस से मैरिड हैं और इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम कांची कॉल है। कांची कॉल टीवी के साथ साथ फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। इन दोनों की शादी 2011 में हुई थी और अभी यह दोनों लोग एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश हैं। नंबर 4, नील भट्ट। स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो गुम है किसी के प्यार में, जो आज टीआरपी लिस्ट में हमेशा टॉप 5 की पोजीशन में रहता है और यह सीरियल आज काफी पॉपुलर हो चुका है। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में हमें ट्रायंगल लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। इसकी लीड कास्ट का नाम नील भट्ट और आयशा सिंह है, जो सीरियल में सई और विराट का किरदार निभा रहे हैं। नील भट्ट मैरिटल स्टेटस से मैरिड हैं। इन्होंने 30 नवंबर 2021 को शादी की है और जिसके साथ इन्होंने अपनी शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा है, जो गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पाखी का सेकंड लीड रोल प्ले कर रही हैं। यह दोनों सीरियल के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3, साहिर शेख। साहिर टीवी एक्टर के साथ साथ फिल्म एक्टर और मॉडल भी हैं। ये अब तक 11 टीवी शोज, 3 मूवीज और 12 म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुके हैं और इन सबसे इनको काफी अवार्ड्स और पॉपुलरिटी मिली है और इनका फेमस रोल ये रिश्ते हैं प्यार के और महाभारत सीरियल में रहा है। अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो ये मैरिड हैं और इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम रुचिका कपूर है, जो कि यह भी एक एक्ट्रेस है। इन्होंने इनके साथ साल 2020 में ही शादी किया था और अभी यह दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 2, धीरज धूपर।
दोस्तों धीरज धूपर अभी के समय में कुंडली भाग्य सीरियल में करण का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारे टीवी सीरियलों में काम किया है, जिनमें से ससुराल सिमर का, नागिन 5, कुंडली भाग्य और भी कई सारे सीरियल्स हैं। इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो यह मैरिड हैं और इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम विनी अरोरा है, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने इनके साथ 2016 में शादी की थी और अब यह दोनों अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 1, मोहसिन खान। मोहसिन खान आज टीवी का जाना माना चेहरा बन चुके हैं और टीवी के पॉपुलर एक्टर के साथ साथ ब्यूटीफुल एक्टर भी हैं। ये अब तक 7 टीवी शोज और 9 म्यूजिक वीडियोस में काम कर चुके हैं, लेकिन इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से सबसे ज्यादा पहचान मिली और इस सीरियल में इनका कार्तिक का रोल बहुत पॉपुलर हुआ है। मोहसिन खान की 2022 में रियल एज 31 ईयर्स है। और चलिए इनके वाइफ के बारे में जानते हैं। मोहसिन खान अभी अनमैरिड हैं, इन्होंने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन ये एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को डेट कर रहे हैं। ये टीवी सीरियल के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही शादी कर सकते हैं। सो गाइस, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए स्क्रीन पर आई किसी एक वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।